आरे मोरे लाल कि हमें बुंदेली भोजन कराया। आज हमें समझ में आया कि ऑथेंटिक फूड वो अपनी रोटी भी उसी में, ठड़ूला भी आपका सब पूरा देसी स्टाइल में सहेज के रखी गई है। शायद वो ये अनुभव मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक अनुभव है, क्योंकि यहाँ का फूड, फोक डांस, म्यूज़िक, यहाँ पे जो होम स्टे बनाए गए हैं, प्लस जो विरासत को दिखाया गया है, मैंने मेहंदी भी लगवाई है, आप देख सकते हैं, प्लस मंदिर है। देखिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बुंदेली विरासत में, जो आपको कल्चर दिखाती है। बुंदेली आखिरकार है क्या, बुंदेली परंपरा क्या है, बुंदेली व्यंजन क्या है, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम यहां आ चुके हैं मंडला में। छतरपुर से जिला मुख्यालय से अगर आप यहां आएंगे तो आपको महज 55 किलोमीटर आना पड़ेगा और आपको यहाँ पर बुंदेली विरासत देखने के लिए मिलेगी। यहाँ की खास बात अगर आपसे हम बताना चाहें तो यहाँ की खास बात ये है कि इन्होंने बुंदेलखंड का जो कल्चर है, अधिकतर हम समझना चाहते हैं कि बुंदेलखंड है क्या और बुंदेलखंड में कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर सहेजा गया है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं कीर्तिवर्धन सिंह बघेल हैं, जो पर्यटन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि आपने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, इसके पीछे आपकी थीम क्या थी। तो चलिए हमारे साथ और जानिए कि क्या है बुंदेली विरासत। कीर्ति जी, मैं इसके पहले भी कई चीज़ें आपकी देख चुका हूँ और वो लाजवाब चीज़ें मिली हूँ। जितने लोगों से भी मैंने बात की है उन्हें भी आपकी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद। कहाँ से लाते हैं ये आइडिया? आइडिया एक्चुअल में जब आप किसी सोच के साथ कोई काम कर रहे होते हो, जैसे आप घूमते हैं तो किसी न किसी एक सोच के साथ आपका घूमने का एक टेस्ट होता है इंसान का। तो बचपन से जब हम घूमने का शौक़ रखते थे और जब हम अलग अलग स्टेट्स में गए हैं तो हमने ये देखा कि हर जगह अपने कल्चर को बहुत अच्छे से संजो के रखा गया है और पर्यटन जो है वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ बहुत आगे जा रहा है। तो कहीं हमने इन चीज़ों पे जब गौर किया, इस पर स्टडी की, तो पाया कि हमारे बुंदेलखंड का कल्चर भी कहीं से भी किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। आपके आपको वैसे भी पता है कि कुछ साल पहले हमने एक बुंदेली बकरी भी बनाई थी जी, जो कोरोना काल में बंद हुई, लेकिन फिर दोबारा ये प्रॉपर्टी तैयार हुई है बुंदेली विरासत, जो बुंदेलखंड के कल्चर को दिखाएगी, यहाँ के कुजीन को लोगों तक पहुँचाएगी। देखिए जब आप होम स्टे करते हैं तो आपको इस तरह के रूम अक्सर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। आपके लिए भी कुछ यहाँ पे खास इसी प्रकार के रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। ये छोटी सी बालकनी यहाँ पर दी गई है, ये रूम है, वेल मेंटेन ये रूम है। यहाँ पर बैठने आप बैठते हैं, चाय या कॉफ़ी या अन्य चीज़ें लेते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रूम जो है वो अस्थाई तौर पर बनाया गया, इसको कभी भी यहाँ से अलग भी किया जा सकता है। और ये एक देखें कि अस्थाई रूम यानी कि आप ये लेड बाथ यहाँ पर बनाए गए हैं, बेल मेंटेन लेड बाथ हैं, गीज़र लगा हुआ है और ये देखिए एसी भी लगा हुआ है। ये रूम बहुत अच्छे रूम बनाए गए हैं। आप यहाँ आकर अब अधिकतर आप मनाली या अन्य जगह जाते हैं तब आपको इस तरह के रूम वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर वेल मेंटेन ये रूम बनाए हुए हैं। ये देखिए आप फ़ोन भी रखा हुआ है, आपको अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ कॉल भी कर सकते हो। ये वेल मेंटेन रूम यहाँ पर है। जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे कुछ इस तरह का नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये रात का समय है, रात के समय का व्यू ये होगा, अगर डे में आप देखते हैं तो और ही सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच ये सारे रूम बने हुए हैं। यहाँ का फोक जो है उनको हम लोगों तक पहुँचाएंगे जो यहाँ पर्यटक आते हैं पन्ना नेशनल पार्क में। जो अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, उन तक ये जानकारी कि बुंदेलखंड रीजन में जो वह घूम रहे हैं
वहाँ का कल्चर एक्चुअल क्या है जी, और आपको हम बताएं दिल का रास्ता कहा जाता है कि पेट से होता है जी, पूरे कॉन्सेप्ट में हमारी जो ताकत है वो हमारे व्यंजन है जी। हमने बुंदेलखंड के व्यंजनों को तैयार किया और हमारी जो यहाँ टीम है वो गांव की महिलाएं हैं, यहाँ कोई प्रोफेशनल सेफ नहीं है, इसलिए प्योरिटी के साथ जब ये चीज़ें तैयार हो रही हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल तक वो पहुँचती हैं, तो यही अभी तक चल रहा है, धीमे धीमे आगे भी बढ़ रहे हैं। मैंने ये देखा भाई साहब, गजब की लाइटिंग की हुई है आप तक, जहाँ देखो लाइटिंग एक गजब नज़ारा दिखाती है। मैंने दूर से देखा, मैंने समझा कोई बहुत अच्छा लैंप लगे होंगे या फिर आपने कोई कांच की ऐसी चीज़ लगाई होगी, कितनी अच्छी लाइटिंग दिखाई दे। मैंने जब देखा यहाँ पर तो वो लकड़ी की चीज़ें लगी हुई थी, ये कहाँ से आइडिया आया ये? ये एक्चुअल में कोई आइडिया नहीं है, ये एक सोच है। जब आप कभी किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसके पीछे एक सोच होती है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये सोच है कि ये लैंप हमारे एक बार तैयार हुए हैं, अगले साल फिर ख़राब होंगे, लेकिन जिस इंसान ने ये तैयार किए हैं अगले साल उसको फिर रोज़गार मिलेगा और वही लैंप तैयार करेगा। बहुत एक लैंप जो है जी, जैसे 100 रुपये की कीमत रखता है और 200 लैंप यहाँ लगे हैं, और अगर हम मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं और यही लैंप हमें 2000 रुपये का मिलता है, तो हम चाहते हैं हम 100-100 रुपये हर बार उस व्यक्ति को दें, उसको हर बार ये काम मिले, जिससे यहाँ जो रोज़गार का हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को हमें जोड़ना है, उनको काम देना है, वो सारी चीज़ें इसमें तैयार होता है। होम स्टे के लिए मैंने देखा कि आप बढ़िया मस्त टेंट बना के रखे हो आप जी, इतना अच्छा तो हम शायद घर भी नहीं बना पाते हैं जी जी। हमें बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं कि टाल्स कहाँ लगाएँ, बाज बेसन कहाँ पर दें, लेट बाथ कहाँ पर दें और कैसे मैनेज करें। आपने तो एक छोटी सी बालकनी भी निकाल दी है और हर चीज़ इतनी उम्दा तरीके से की है, ये कैसे कर पाए हो, क्या कॉस्ट रही इसकी, कितनी मेहनत करें? एक्चुअल में इस फील्ड में 15 साल से 17 साल हो गए हैं हमें, और 17 साल में हमने धीमे 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 खो के, कुछ चोट खा के, गिर के जो चीज़ें सीखी तब यहाँ तक आपके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं। ज़िंदगी भर इंसान सीखता है, हमारा भी यही है कि गिरते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, क्योंकि जब आपको कुछ बड़ा करना होता है तो ये सब चीज़ें रहती हैं। हर चीज़ आप मिट्टी के उपयोग कर रहे हैं जी, यहाँ तक कि बर्तन भी मिट्टी के उपयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ये कारीगर अब बचे हैं, ये कारीगर कहाँ से लाए आप? गांव की जो लेडीज़ हैं उनके हाथ में ये सब टेस्ट रहता है, मिट्टी के बर्तन में वो खाना बनाना जानती हैं, उनको अगर आप किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक ना करें तो वो जो एक्चुअल उनका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो आप तक पहुँचता है, तो उसी तर्ज पे जो ये काम चल रहा है, गांव की औरतें हैं वही खाना बनाती हैं, उनके साथ कोई रोक टोक, कोई छिड़ाखानी नहीं, कोई कम ज़्यादा तेल मसाला, जो उनका हाथ बोलता है, जो उनका दिल बोलता है वो वैसे बनाती हैं और हम मेहमानों को परोसते हैं। वैसा तो नहीं है कि साहब आ गए ये कम करो ये ज़्यादा करो, वैसा कुछ तो नहीं करते सर? यहाँ कोई एक सिस्टम ही नहीं है कि VIP VVIP, हमारे गांव के लोग ही सबसे बड़े VIP हैं और उनका जो कल्चर है, उनका जो तरीका है, हम उसी तरीके पर चलने वाले हैं। ये जगह उन गांव वालों के लिए बनाई गई है, गांव वालों के काम करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक ज़रिया है कि वो यहाँ से पलायन ना करें, वो अपने उस संस्कृति को ज़िंदा रखें, उनके आने वाली पीढ़ी को एक काम मिले, उन सब चीज़ों के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। और आज 50 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उन 50 लोगों का जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो भी आगे जब काम करेंगे तो इसी पे हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रॉपर समझाएंगे, सिखाएंगे, और इसको इतने ऊपर तक लेके जाने का ड्रीम है कि आप हर जगह जाते हैं तो उन्हें का साथ ये रिज़ॉर्ट वो रिज़ॉर्ट लोग भूल जाएं। आने वाले समय में हम अटारी वाले कमरे भी इस जगह पे बनाएंगे और रुकने की सारी व्यवस्थाएं भी अपनी ट्रेडिशनल रहेंगी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे शहर के लोगों से? शहर के लोगों से सिर्फ यही हमारा कहना है कि एक बार यहाँ आएँ, परिवार के साथ आएँ और समय बिताएं। आज 25 तारीख है और 1 तारीख तक यहाँ पे एक उत्सव के तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। रोज़ यहाँ 6 से 8 शाम को यहाँ फोक डांस होगा, यहाँ ट्रेडिशनल खाना मिलेगा, बच्चों के खेलने के लिए जो चीज़ें होती हैं, पतंग है, अगर वो दोपहर में आते हैं तो पतंग उड़ाएं, बैलगाड़ी पे घूमें, ये सारी चीज़ें करने के लिए रहेंगी। तो सब लोग अपने परिवार के साथ आएँ, हमें पूरी उम्मीद है कि वो जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं उनमें ये जो जगह है वो आपको पसंद आएगी, इवन सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे लोग। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।
मेरा नाम स्वाति है और मैं भोपाल से आई हुई हूँ। वहाँ पे मैं ग्रामीण आजीविका मिशन में NRETP प्रोजेक्ट है उसमें स्टेट मैं ऑफिसर हूँ। यहाँ आप आई हैं बुंदेली विरासत में, तो कैसा लगा, क्या फील किया? यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो नाम है कि बुंदेली विरासत, तो सच में बुंदेलखंड का पूरा टच है यहाँ पे और जो विरासत सहेज के रखी गई है, शायद वो ये अनुभव मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक अनुभव है क्योंकि यहाँ का फूड, फोक डांस, म्यूज़िक, यहाँ पे जो होमस्टे बनाए गए हैं प्लस जो विरासत को दिखाया गया है, मैंने मेहंदी भी लगवाई है आप देख सकते हैं, प्लस मंदिर है, यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो है, तो हर चीज़ को इतने करीने से सजाया गया है और एक ही जगह पे आपको ऐसा अनुभव मिलेगा और प्लस ये जो जंगल का एटमॉस्फेयर है तो इतना देशी जो एक टच है वो शायद किसी भी होटल में जाके शायद कभी भी नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ मैंने एक जगह को सच में एक्सप्लोर किया है और इस जगह से मैं एकदम परिचित होके जा रहा हूँ, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पनीर बटर मसाला से लेके और जो मुझे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मिलता है, लेकिन बुंदेलखंड अगर मैं आई हूँ तो मैं यहीं का खाना खाना चाहती हूँ, यहीं का डांस देखना चाहती हूँ, यहीं का फोक म्यूज़िक देखना चाहती हूँ, तो वो चीज़ शायद दिखाने का यहाँ पे जो प्रयास किया गया है वो बहुत ही अच्छा है और जितने अच्छे से जितना सिस्टमेटिकली इस जगह को सजाया गया है वो भी अपने आप में एक अलग अनुभव है, तो मुझे लगता है कि ये एक फुल एक्सपीरियंस है। थैंक यू। इसके बारे में ये बुंदेली परंपरा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में क्या कल्चर को बताती है जी, कि कहाँ क्या चीज़ें कैसे खाना होता है, कच्चे खाते थे लोग कैसे, क्या है कैसे पुराने बुंदेलखंडी लोग रहते थे, सब ये दर्शाया गया है यहाँ। अच्छा लग रहा भाई। थैंक यू।